जब बच्चा क ख ग घ सीखता है तब न उसको कहा जाता है गाय पर लेख लिखो, कुत्ता पर लेख लिखो, घोड़ा पर लेख लिखो, और तब उसको एक एक क्लास ऊपर ले जाके एक दिन पीएचडी करवा दिया जाता है। अच्छा, आपके गार्जियन जैसा सोचे थे वैसा आपने किया वहां आपके माँ। मित्रों, हम अपने आप को बेहतर बनाने के प्रयास में कैसे कई बार गलत रास्ते पर चले जाते हैं, सोचते हैं कि हम बेहतर बनाएंगे, मोबाइल का सहारा लेते हैं कि हम अपने सब्जेक्ट को बेहतर बनाएं। आपने पढ़ा होगा, दो तीन दिन पहले का न्यूज है, एक आईआईटी का लड़का, थर्ड ईयर का लड़का वीडियो बना रहा था और वो भी बेहतर बना रहा था। आजकल लोग जान समझ रहा है कि शिक्षा जो हमारे जीवन में आ गया, हम शिक्षित हो गए, हम बहुत बड़े चीज को हासिल कर लिए। ये शिक्षा आपकी दाल रोटी की व्यवस्था करा देगी, दो पैसे की व्यवस्था करा देगी, लेकिन आपके जीवन में अगर अध्यात्म नहीं है, आपका व्यक्तित्व पर्सनालिटी बेहतर नहीं है, तो ये धन किसी काम का नहीं है। तीन दिन पहले का वो जो घटना है, हमको लगता है कल परसों की ही घटना है, शुक्रवार के दिन का। थर्ड ईयर का लड़का, इसमें कई भाई हमारे बैठे होंगे, कई बहनें बैठी होंगी जो सोच रही होंगी हम आईआईटीएन बने, वो ऑलरेडी बन के थर्ड सेमेस्टर में है, और सुसाइड इसलिए कर लेता है कि वो वीडियो बना के डालता है, उसका व्यूअर्स नहीं आ पाता है। अब बताइए कहाँ से आदमी क्या करे। कई बार आदमी बेहतर बनने के चक्कर में, हम लोग तो नज़दीक से देख रहे हैं, वर्तमान में जो संक्रमण काल इस कलयुग में चल रहा है, आदमी खुश रहना नहीं चाह रहा है, दुखी है। जिसको पद मिल गया वो पोस्टिंग के लिए दुखी, जिसको पोस्टिंग मिल गया उसको सुपर पोस्टिंग के लिए दुखी, सुपर पोस्टिंग उसको मिल गया तो पत्नी से दुखी, पत्नी अच्छी मिल गई तो बेटा के कारण दुखी, बेटा बढ़िया मिल गया तो बेटा के नौकरी के कारण दुखी। अरे भाई, तो ये सुखी होने का जो तरीका बताया गया है, भारत का जो अध्यात्म है, इसको क्यों नहीं अपनाते हैं। कई भाई लोग आके कहते हैं, भैया ध्यान करते थे छूट गया। काहे छूट गया भाई, कुत्ता काट लिया क्या बीच में, जा रहे थे कुत्ता काट लिया। आप जो हाय हाय करके ये सारी दुनिया की चीजों को आप अपना रहे हैं, हमारा जींस बढ़िया हो, हमारा हेयर स्टाइल बढ़िया हो, हमारा थोबड़ा बढ़िया हो, ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। हम इन दिनों जो देख रहे हैं, हम लोग जो यंग जनरेशन, चहकना चाहिए, उछलना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, वो यंग जनरेशन हताश और निराश होकर बैठा है। भैया कुछ हो ही नहीं रहा है, अरे होने के लिए करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बैठे हुए आप जादू की छड़ी चढ़ा दिए, हम अच्छे पद पर चले जाएंगे, वहां जाके खुश रहेंगे। ऐसा मुंगेरी लाल के हसीन सपना दिन में देखते रहिए, आप मोबाइल देख के आराम से चावल दाल चोखा खा के सूत जाइए, कोई ऑप्शन नहीं है। इसको अगर बेहतर बनाना है तो अध्यात्म को अपनाना होगा, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों। ये लोग भी सोचती है, ये लोग भी खूब सपना देखती है, हमारे घर में ऐसे होगा, ये होगा, ऐसा पति मिलेगा, ऐसा परिवार मिलेगा। और हम देखते हैं जिसका शादी होता है एक ही सप्ताह बाद, हम जैसा सोचे थे वैसा नहीं मिला। अच्छा, आपके गार्जियन जैसा सोचे थे वैसा आपने किया वहां, आपके माँ बाप जो सोचे थे वो आपने किया नहीं, वहां तो झाल बजा रहे थे, किए कहां। तो जब आप अपने गार्जियन के अनुसार नहीं कर पाई, तो आप कैसे सोचती हैं कि आप जैसा सोच ली ऊपर से वैसा ही गढ़ के भगवान आपके लिए देगा। आप लोग भी वही सोचते हैं, ये सब तो दीने में ग्राफ बना लेता है, हम ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे ऐसे में इतना पैसा कमाएंगे, यहाँ से घर बनाएंगे। सुबह आँख खोलता है तो देखता है लॉजिक का चौकी है। कल्पना की दुनिया में जी रहा है। इसको ठीक करता है अपने यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था कुछ कारण, बस क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग, लेकिन कल से शुरू होगा व्यक्तित्व परिष्कार कार्यशाला, पीडीसी जिसको कहते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं होता कि हम कितना ब्रांड के शर्ट पहने हैं, किस ब्रांड के शर्ट पहने हैं, कितने पैसे का शर्ट है, कितने पैसे का जींस है, ये भी मायने नहीं रखता। पर्सनालिटी का मतलब कि हम किस पद पर हैं। कई लोगों को ये लगता है कि आईएएस बन जाएंगे तो मेरा पर्सनालिटी बढ़ जाएगा,
कई आईएएस अंदर हवा खा रहे हैं, कई आईएएस बन के चले गए, कोई जानने वाला नहीं है। और आपके यहाँ ना आईएएस बना ना आईपीएस बना, पर्सनालिटी बनाता है। एक बार पत्नी के एक बार खाना पहुंचाने जाती है, दो बार जाती है, तीन बार कष्ट होता है, एक बार गिर के बेचारी डेथ कर जाती है। और उसके दिमाग में आता है कि ये हमारी पत्नी के साथ हुआ है तो बहुत सारे परिवार के लोगों के साथ भी हो सकता है, कोई गिर सकता है। और छेनी हथौड़ी उठाकर और खोदना शुरू करता है। जब लोग जाता है पूछता है क्या कर रहे हो, तो एक ही शब्द कहता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। सब कहता है पगला है, कह रहा है जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। और धीरे 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 खोद के रास्ता बना देते हैं और माउंटेन मैन दशरथ मांझी के नाम से जाने जाते हैं। वो तो आपकी तरह कोचिंग में बैठ के पढ़ाई नहीं किए, उन्होंने कभी किसी से शिकायत भी नहीं किया, कोई पद भी नहीं रहा। और जब आते हैं इसी बिहार के मुख्यमंत्री से मिलने, तो मुख्यमंत्री अपना कुर्सी छोड़ देते हैं और कहते हैं साहब इस चेयर पर बैठ जाइए ताकि आपकी तरह कार्य करने की क्षमता मेरे अंदर भी पैदा हो जाए। इसको पर्सनालिटी कहते हैं। आज का युवा पर्सनालिटी का मतलब समझ लिया है। बढ़िया सा टी शर्ट हो, बढ़िया जींस हो, बढ़िया पार्लर में जाके थोबड़ा रगड़वा लें, हेयर स्टाइल बना ले, दू कौड़ी का है, इसको कुत्ता भी नहीं पूछेगा, आदमी तो दूर की चीज है, कोई नहीं पूछेगा, कौन पूछेगा। कल आपके पिताजी की तबीयत खराब हो, भगवान न करे कि ऐसा हो, माँ की तबीयत खराब हो, आप जाके हॉस्पिटल में डॉक्टर के कहिएगा साहब हम ब्रांड का शर्ट पहनते हैं, ब्रांड का टी शर्ट पहनते हैं, ब्रांडेड सैलून में जाकर हेयर स्टाइल बनवाते हैं, क्या डॉक्टर आपके माँ बाप का इलाज कर देगा, हो जाएगा आपका इलाज। तो ये किस बात का ब्रांड, दो कौड़ी का ये ब्रांड है, जो आप जहां चाहते हैं जैसे चाहते हैं जिस दुकान से चाहते हैं खरीद लेते हैं। ओरिजिनल अगर ब्रांडेड बनना है तो व्यक्तित्व को पर्सनालिटी को बनाइए। और यह पीडीसी का जो क्लास चलता है 5 दिन का 10 क्लास, पहले दिन भाई लोग आने से पहले पहला क्लास में यानी कल सोमवार सुबह में अलार्म लगाता है बेचारा आंख मलते हुए। कई वो भाई तो पहले क्लास में यहाँ झपकी लेने लगते हैं, उनको लगता है कि चल रहा है भागवत कथा, बैठ के सुन लेना है, अंत में जय बोल के चल देना है। अरे भाई आपके लिए किया जाता है, आपके पर्सनालिटी को बेहतर बनाने के लिए। ये सोच के आते हैं पहला दिन की देखते हैं क्या होता है। वो कई बार कंपेयर करते हैं संडे वाले सेमिनार से, संडे वाला सेमिनार प्राइमरी लेवल से आपको साधना स्वाध्याय संयम सेवा जो चार चीज सिखाई जाती है, आदत डलवाया जाता है कि बाबू जिस निगेटिव रास्ते पर आप चल रहे हो वहां से हट के पहले इस रास्ते पर चलना सीखो। जब बच्चा कख सीखता है तब ना उसको कहा जाता है गाय पर लेख लिखो, कुत्ता पर लेख लिखो, घोड़ा पर लेख लिखो, और तब उसको एक एक क्लास ऊपर ले जाके एक दिन पीएचडी करवा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार आप संडे के सेमिनार में आते हैं, आपको पहले स्टेज फर्स्ट स्टेज में आपको आदत डाला जाता है कि आप अपनी निगेटिविटी से लड़िए। जब लड़ने लगते हैं एक आध सप्ताह एक आध महीना दो चार महीना बिताते हैं, आपको तब मन होता है पीडीसी में शामिल हो। और ये पीडीसी के 5 दिन का जो 10 क्लास होता है आपके होल एंड सोल माइंड से लेके बॉडी तक, स्टडी से लेके आपके विचार तक, पर्सनालिटी से लेके आपके कार्य कुशलता तक, एक एक कदम सफर तय कराने में काम आता है। और हमारे यहां से जो भी भाई पीडीसी किए हैं उनका लगभग हम लोग 15,000 भाइयों का 20,000 भाइयों का अनुभव रखे हुए हैं। 90% भाई लिखते हैं कि मैं पीडीसी नहीं किया होता तो मेरी सेल्फ स्टडी, मेरा रहन सहन, मेरा खान पान, मेरा विचार और मेरे ब्रह्मचर्य की शक्ति समाप्त हो गई रहती। तो ये कई लोग सोचते हैं कि पैसा देकर बड़े बड़े कंपनियां जो पीडीसी कराती है वैसा यहाँ पीडीसी होता है, नहीं मेरे मित्र, यहाँ का पीडीसी व्यक्ति दिखता है लेकिन परमात्मा अपनी गोद में बैठा के जैसे छोटे बच्चे को स्नान करके उसको बाहर से शुद्ध करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी अपनी गोद में बैठा के आपके आंतरिक बुराई को शुद्ध करते हैं। हम आपसे भाव भरा निवेदन करेंगे भाइयों से, बहनों लोगों का कुछ दिनों के बाद शुरू होगा, भाइयों से कि लास्ट में पूरी सूचना दी जाएगी, जो भाई हमारे पीडीसी नहीं किए हैं वो कल से जरूर फॉर्म भर के पीडीसी करने का प्रयास करें।